नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविका कोटी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। एकनाथ शिंदे का दावा, उनके पास शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन। महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी, खुद को विधायक दल का नेता बताया। एकनाथ शिंदे ने टाला मुंबई जाने का प्लान, अभी गुवाहाटी में ही रुकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी से की बात, मांगा समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया, पीएम मोदी बने प्रस्तावक। असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का शिंदे को पत्र, लिखा गुवाहाटी छोड़कर चले जाए। शरद पवार से मीटिंग के बाद बोले संजय राउत, अब भागियों से नहीं करेंगे बात, फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी से की बात, मांगा राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन। यूपी लखनऊ पीजीआई में भर्ती हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, अग्निपथ योजना पर हंगामे के असर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई बैठक, विधायक सांसद होंगे शामिल। दक्षिण यूक्रेन में भीषण संघर्ष, यूक्रेनी सेना ने 44 रूसी सैनिकों को मार गिराया। सरकारी कर्मचारियों को 2 लाख रुपए दे सकती है सरकार, बस ऐलान का इंतजार। एमपी इंदौर खंडवा मार्ग पर खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 47 घायल। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नामांकन। अग्निपथ योजना, आज से एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। मारुति के चेयरमैन बोले, इलेक्ट्रिक कार से कम प्रदूषण फैलाती है टोयोटा की हाइब्रिड कार। लखीमपुर खीरी में ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर, 4 की मौत से मचा कोहराम। डिजिटल पेमेंट के अनुभव को बेहतरीन बना रहा है फोटो QR। DRDO ने दागा सीक्रेट हथियार, ये दुश्मन के सामने पलक झपकते मौत ले आएगा। अरविंद केजरीवाल बोले, अग्निपथ योजना हमारे युवाओं और देश के लिए हानिकारक। अमिताभ बच्चन पर ऐसे फिदा हुई फैन, कर दी किसेस की बौछार, बिग बी बोले अरे देवी जी। जब अक्षय कुमार की डॉन से डर गए थे मनीष पॉल, बोले लगा करियर खत्म। रवि किशन के बाद अक्षरा सिंह ने बढ़ाई फीस, बनी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।